नमस्कार जी, हम आए डिगल गांव में। हम आपको बता रहे, यहाँ हमारे साथ हैं अहलावत खाप के प्रधान और पूर्व सरपंच मांगेराम और राज सिंह जो फौजी भाई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ किस कारण आप लोग इकट्ठा हुए हो? भाई जो यो गंद भरा है जोड़ा में, हाँ जी, इसकी सफाई करी जाए, पानी की निकासी करी जा और इस गंद को सफाई करी जा, और नहीं तो गांव में बीमारियां बहुत फैलने का अंदेशा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, ये जो जोड़ का पानी भरा हुआ है इसमें लोग कूड़ा कचरा डालते हैं, मतलब जिसके कारण ज़्यादा गंदा पानी हो चुका है इसका, हाँ, तो इसकी छटाई करवाई जाए। छटाई करी जाए। तो हमारे साथ फौजी भाई राज सिंह थे। तो नमस्कार प्रधान जी। हाँ नमस्कार भाई। क्या कहना चाहोगे? जैसा कि इन्होंने बताया, एक तो गांव में गंदा पानी जोड़ के अंदर है, ये बाबा मौज माँ के पास जोड़ है जो, और इसमें बता रहे हैं या कूड़ा कचरा डालते हैं लोग, तो और ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई जोड़ का पानी निकलिया बहुत साल हो लिए, जोड़ का पानी कति गंदा और इतना बदबू आती है इसमें, अब यहाँ का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है आदमियों को। सरकार ने एक बार कराया था थोड़ा सा, दो चार दिन काट के फिर जाते रहे, तो इसलिए हमारी यही प्रार्थना है सरकार से कि जोड़ को सफाई कराई जाए, और खेतों में पानी भरा है, हमारी फसल भी बर्बाद होगी, आगे भी बुआई नहीं हुई है, ना पानी निकला है, इसके लिए भी सरकार ने हमें उचित मुआवजा दिलवाने की कृपा करे, और हमारा ताकि आगे काम चल जाएगा बच्चा का, ना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी महंगाई चल रही है, इसमें लोगों का कुछ नहीं हो रहा सरकार की तरफ से, तो हमारी यही प्रार्थना है, अब यही हमारी गुंजाइश है कि भाई इनको ज़्यादा गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी को निकलवाएं और जल्दी निकलवाएं, पानी को बिल्कुल निकल कति खत्म करें और उसकी छटाई करवाएं, ये कहना चाह रहे हो आप? इसको पानी की कति निकलवा के और छटाई की जाए, जब जाके गांव के अंदर ठीक माहौल होगा पानी पीने के लिए। हमारे साथ अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह जी हैं। तो प्रधान जी, जैसा कि इन्होंने मांगे सरपंच ने बताया कि एक तो गांव में गंदगी फैल चुकी है, और दूसरे बता रहे हैं कि पानी जो खेतों के जल भराव की समस्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप जिम्मेदार आदमी हो, और क्या कुछ करना चाहिए सरकार को इस? सबसे पहले तो ये गांव के जितने भी तालाब हैं इनकी चार दीवारी भी होनी चाहिए, और इनका गंदा पानी निकाल के, इससे गंदा क्या होगा जो सूर भी इसके अंदर नहीं बढ़ते हैं। हाँ जी, इससे ज़्यादा गंदगी तो होती नहीं, गंदे पानी में सूर तो चला जाता है, इसमें सूर भी नहीं जाती, कितनी बदबू हो रही है। और आप इस तरफ देखो गंदगी का कितनी भरमार है, और दूर दूर तक देखो, यहाँ से हाई स्कूल तक हॉस्पिटल तक सभी जगह पर पानी भरा हुआ है, इतना गंदा काम हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका पानी निकलवाए, जोड़ों की तली को साफ करवा कर और फिर इन नहर का पानी भरा जाए, जिससे कि गांव के पशु जो है ना इसमें पानी पी सकें, बीमारी ना हो और बीमारियां भी ना फैलें। एक बता रहे खेतों में जैसे जल भराव की समस्या भी हाँ, बनी हुई है हाँ, और खेतों में जैसे गेहूँ की बिजाई भी नहीं हो पाई, पहले धान की फसल भी खराब हो गई, धान भी गड़ रहे हैं, और ये गेहूं की बिजाई भी ना, खेतों में अभी तक पानी भरा हुआ है। गवर्नमेंट के वायदे तो हैं, अखबारों में टेलीविज़न में वायदे तो हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा जी। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट ने स्पेशल ध्यान देना चाहिए, ये पानी की निकासी का रास्ता निकालें। हमारे यहाँ एक बदरो खोदी थी, उसके अंदर फिर लकड़िया की बदरो आ गई, लकड़िया शेरिया पानी आ गया, गोछी का पानी आ गया उसी के अंदर, और आगे चलकर मंदाणियों का पानी आ गया। बदरो जितनी आगे चलती होनी तो उसी उतनी चौड़ी चाहिए, और वहाँ आगे छोची रोड पर जो है ना बिल्कुल एक मामूली सा दाना सा बना हुआ है, जिससे खेतों में और फ्लो हो जाता है, और अभी भी पानी भरा है खेतों में। जब तक कि यह बदरो चौड़ी और गहरी नहीं होगी, जब तक पानी की निकासी का रास्ता नहीं बनेगा, और ज़मींदार के पास जब खेत ही नहीं रहे तो क्या बच गया उनका, और तो कोई आमदनी का सहारा नहीं बच्चे पालने का, और खेत हमारे वो भी खुश गए तो हम करेंगे क्या। तो इसलिए चाहिए कि हमारे खेतों की निकासी की जाए पानी की, जिससे हमारी फसल भी बच जाए और हमारी अगली पीढ़ियों का गुजारा भी हो जाए।
जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव में जल भराव की समस्या है और खेतों में भी जल भराव की समस्या, जिसके कारण किसान पहले तो अपनी धान की फसल खराब कर चुका है, अब गेहूं की बिजाई भी नहीं हो पाई, तो किसानों के लिए दिगल गांव में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। ये कुछ एरिया में बिजाई हुई है और लगभग एरिया खाली रह चुका है दिगल गांव का, जिसके कारण किसान अपनी गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए। तो इसके बारे में कोई मुआवजे की भी डिमांड कर रही है आपने, जैसे जो एरिया रह गया है पहले धानों का खराब हो गया था आपका। कल हम डीसी साहब से मिलेंगे, हाँ जी, उनसे अपील करेंगे कि भाई आप हमारी जो लेटेस्ट गिरदावरी है वो भी करवाएं, उचित मुआवजा दिया जाए। और हमें मुआवजे की इतनी ज़रूरत नहीं है, खेतों में इतने जब तक फसल नहीं होती है, जब तक जमींदार का गुजारा नहीं होता, मुआवजे अकेले मुआवजे से गुजारा नहीं होता, हमारा पानी की निकासी का समाधान करवाया जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अकेले मुआवजे से कुछ नहीं होता, जब तक पानी की निकासी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकता किसान, गेहूँ की बिजाई नहीं होगी तो खाएगा क्या। तो किसानों के लिए धान लगाए हुए गड़ के, पहले धान की फसल खराब हो गई थी, हाँ। अब गेहूँ की बिजाई भी नहीं हो पाई, बिजाई भी नहीं होगी, तो खाने के अन्न की समस्या भी हो चुकी है। अकेले मुआवजे से तो खर्चा चलेगा नहीं, हाँ जी, मुआवजा भी उचित मुआवजा भी दिया जाए और आगे से पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। तो हमारे साथ जय सिंह प्रधान और पूर्व मांगे सरपंच और राज फौजी भाई थे, जिन्होंने बताया कि गांव में अनेक समस्याएं बनी हुई हैं, जल भराव की समस्या भी है और खेतों में जल भराव की समस्या भी है और उचित मुआवजे की मांग भी की है, लेकिन एक ले मुआवजे से कुछ नहीं होगा, गाँव और खेतों का पानी की निकासी भी की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।